जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। पहला पत्रस 4:16। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। दो तरीके से हमें क्लेश होती है। एक बुराई करने से क्लेश है, भलाई करने से क्लेश होती है, उपद्रव होती है। बुराई करने से जब क्लेश होती है, उस बातों के लिए पछतावा करना, मन फिराना है। परमेश्वर के लोग जब पाप करते हैं, उसके द्वारा जब क्लेश होती है, उस बातों के लिए अपने आप में एहसास करना है, पछतावा करना है। क्यों मुझे इतना दुख है, क्यों परमेश्वर मुझे इतना परीक्षा में डाला है, क्यों मैं इतना परेशान हूं, इस बात को मान के मन फिराना चाहिए। साथ ही साथ भलाई करके जब दुख उठाते हैं मसीह के लिए, उसके नाम के चलते भलाई करके जब दुख उठाते हैं, उसे जो है हमें नए जैसे नहीं समझना। इसको 12 में पढ़िएगा। हे प्रियो, जो दुखी रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भटकी है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। भलाई के द्वारा जब दुख होती है, उसको अनोखी जैसे नहीं समझना है। जरूर ये दुख होगी, इस बात के लिए प्रभु में आनंदित होना है, परमेश्वर को में महिमा करना है, उस सृष्टिकर्ता के हाथ में अपने आप को सौंप के मौन रहना है। उस क्लेश की प्रतिपल को प्रभु देगा, हमारा सिर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। क्या आपने भलाई किया, उसके बदले में दुख और क्लेश को झेल रहे हैं? यीशु मसीह के वास्ते क्या निंदा अपमान को सह रहे हैं? परमेश्वर कहता है तब वही सही मसीह जीवन है, वही जो है विश्वास की जीवन है, उसी में महिमा ठहरे रहेगी। उसी वक्त परमेश्वर की महिमा को हम देख सकेंगे। हम तो उस क्लेश को चाहते नहीं, लेकिन परमेश्वर जब अनुमति देता है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। उसी मार्ग में यदि चलेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया।